नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भाजपा ने कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी आई थी उसको देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के इस पूरे पखवाड़े को यानी कि 23 जून से 16 जुलाई तक हरेला का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश के कोने कोने में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। इसी क्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्रांसिट कैंप में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर कोने में हरेला पर्व विधिवत रूप से संपन्न हो, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगहों पर वृक्षारोपण होगा। उन्हें श्रेष्ठ नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसके वो आभारी है तथा पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। भाजपा ने तय किया है कि प्रत्येक बूथ लेवल पर वृक्षारोपण किया जाए, जो 6 जुलाई से 16 जुलाई तक पखवाड़े दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। ये कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को भाजपा ने समर्पित किया है। हरिद्वार से डाम कोठी में इंटर स्टेट अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर ने सीमावर्ती जिलों से आए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि बैठक में कांवड़ मेले के दौरान किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा, जिस तरह से चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है उसी से मिलती जुलती कोई व्यवस्था कांवड़ मेले के दौरान भी की जाए और कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्त एक लिस्ट बनाकर जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के थानों में देकर आए और उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी उस लिस्ट को उपलब्ध करा दे तो मेला संपन्न कराने में आसानी होगी। साथ ही सभी यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र जरूर लेकर चलने के लिए पर भी सहमति बनी है। बैठक में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हरियाणा के यमुनानगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। थराल की ग्राम पंचायत भंगौटा के भारकोट बार में मंगलवार से 3 दिवसीय शैलपुत्री नंदा देवी अठवाड़ कौथी के दूसरे दिन मां नंदा देवी के भक्तों ने मां नंदा के दर्शन किए। उत्तरी काड़ाकोट पट्टी के 9 गांवों क्रमशः चौपता, रेस, तुनेडा, भांगो, कुश, बैथरा, लादलौ, सोल्टा, डिडवासा और फारकोट के कुल इष्ट देवी शैलपुत्री नंदा देवी का अठवाड़ कौथिक 5 जुलाई से प्रसिद्ध भारकोट बार के नंदा देवी प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ 3 सालों के अंतराल के बाद मेला आयोजित किया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 6 किलोमीटर दूर पाइंस के पास नीचे गहरी खाई में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को खाई से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक जनपद नैनीताल मल्ला निवासी मुकेश टमटा पुत्र प्रकाश टमटा उम्र 40 साल बताई जा रही है। वो पिछले 2 दिनों से लापता था। आगरा में महिला आयोग सदस्य निर्मला दीक्षित ने न्याय दरबार लगाया। महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं और महिला जनसुनवाई का आयोजन किया। पुलिस लाइन स्थित प्रशांत मेमोरियल क्लॉग में महिलाओं की समस्याओं को सुना है। दर्जनों महिलाओं ने आपबीती सुनाई। महिला संबंधी मुकदमों में जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा कार्यक्रम किया गया। महिला आयोग सदस्य निर्मला दीक्षित ने इस बात की जानकारी दी। साजापुर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर ने तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर इस विवादित फिल्म का कड़ा विरोध कर रहे हैं। साजापुर में विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विवादित फिल्म काली का कड़ा विरोध जताया। विरोध जताते हुए हिंदू संगठन ने फिल्म निर्माता लीना का पुतला फूका और नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस फिल्म के निर्माता पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि हिंदू देवताओं पर फिल्म बनाने वाले निर्माताओं पर यह कार्रवाई नसीब बन सके। बांदा में किशोरी ने गांव के ही युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने युवक पर घर के अंदर ले जाकर छेड़खानी दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप लगाए। पीड़ित की शिकायत पर स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। 15 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित नाबालिग किशोरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला बदौसा थाना अंतर्गत एक गाँव का है। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री
पीडब्ल्यूडी मंत्री के मंच पर भाजपाएं भिड़ गए। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी विनोद चौधरी की नोकझोंक हुई है। मांड क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी से नोकझोंक हुई। मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गए। विवाद के बाद मांड और बलदेव क्षेत्र के विधायक मंच से उतर गए। विवाद के बाद स्वागत भी नहीं हुआ, फूलों की माला रखी की रखी रह गई। मंत्री जी के कार्यक्रम में खाने को लेकर भी बंदरबांट किया गया। मीडिया के कैमरे को देख भाजपा जिलाध्यक्ष ने मामले को शांत कराया। छह जुलाई 2022 को जनपद में आयोजित विभिन्न कॉलोनियों में बीएड परीक्षा का डीएम चंद्रप्रकाश और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। बीएड उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। सुबह की पाली में आयोजित हुई बीएड परीक्षा, भारी संख्या में बीएड परीक्षार्थियों ने नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा ली। सेना के जवानों का कर्तव्य है कि वो सरहद पर देश की सीमा की रक्षा करें, लेकिन सेना के ऐसे एक जवान पर महिला के सम्मान से खिलवाड़ का गंभीर आरोप लगा है। मामला रायबरेली जिले का, जहां पीड़ित महिला का आरोप है कि सेना के जवान ने उसे शादी का झांसा देकर कई साल तक उसके साथ यौन शोषण किया है और शारीरिक संबंध बनाए और फिर इनकार कर दिया। पीड़िता ने शहर कोतवाली में 3 माह पहले भी आरोपी जवान पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कराया था। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद बीते दिनों पीड़िता ने एसपी की चौखट पर भी चक्कर लगाए। वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। कहीं सुनवाई न होने पर महिला ने अपने खून से सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। जालौन में आसमानी आफत का कहर देखने के लिए मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की समेत 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर नाबालिग और महिला की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 मवेशियों की भी जान चली गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी है और सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी। कैरिया थाना क्षेत्र के ग्राम लुईपुरा की घटना। योगी सरकार जो हाईकोर्ट कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं रायबरेली जिले में एक हृदय को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे लोकई गांव का है, जहां गांव के बाहर एक झोपड़ी में बुजुर्ग दलित दंपति सूरज पाल उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है और उसकी पत्नी रहते थे। देर रात जमीनी विवाद के चलते झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। बुजुर्ग दलित दंपति जब चली हालत में झोपड़ी से भागने लगी तो मारपीट कर उनको उसी झोपड़ी में फिर से डाल दिया गया। बुजुर्ग दंपति द्वारा शोर मचाने पर जब ग्रामीण दौड़े तो हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। बुलंदशहर में पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ट्रक लूट का खुलासा किया। लूटे गए ट्रक में 100% माल बरामद हुआ है। अवैध असला सहित 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों ने डीआईजी सुधीर कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उनका संगठन की ओर से स्वागत किया। भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अभी छाबड़ा ने डीआईजी सुधीर कुमार सिंह को भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। अमरोहा के नवांगतुक पुलिस अधीक्षक आदित्य जी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने कड़े शब्दों में माफियाओं और अराजक तत्वों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा कि फरियादियों की शिकायतों को समय रहते गुणवत्तापूर्वक निस्तारित करना। इसके अलावा जो टॉप 10 अपराधी हैं, पहले से चिन्हित अपराधी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, साथ ही साथ एंटी भूमाफियाओं पर एक्शन लेना। सिद्धार्थनगर में महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है। जोंगे कोतवाली में महिला को गाली देते दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पति के नाम मिल पाने पर उसकी पत्नी को थाने बुलाई थी पुलिस, और महिला के कोतवाली पहुंचते ही महिला पर दारोगा बिफर गए और पति गालियां देने लगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।